पूर्ण कर सकूं। अरे तुम असाध साधा करन व्याधा मेटन हार, पहले गिरवर धारण कियो अब मैं करी हो रास बिहार। आप ही की कृपा सो मैंने गिरवर धारण कियो हो, अब आप ही की प्रेरणा सो आप ही की आज्ञा सो मैं या महाराज को करवे की चेष्टा कर। अवश्य श्याम सुंदर मैं हूँ या मैं आपको सहयोग करूँगा। बस ठीक है। आप गंधर्व नाग नर किन्नर सबके ऊपर विजय प्राप्त करी है। कोई अभिमान सो यह कहे कि हमने काम पे विजय प्राप्त करी यह असंभव है। बड़े बड़े योगी कंदराओं में जाकर के ध्यान धरते हैं, समय आने पर उनका भी ध्यान टिक जाता है, क्योंकि मदनो मनमथो मारो प्रतुम्ब मीन मीन के तना कंदर्प दर्प कोनंग काम पंच सरस्मर। मैं मदन कहाऊं मद नहीं राखो, मर्दन कर दऊं मन मत हो सबके मन, तद को छाच करो पलछ नहीं, मार हो मार दऊं रति मत सति सबकी, मो मार की मार सो ब्रह्म कापही, मार संघार प्रहार करूं मो मार की मार सो त्रवन नाचे। भूल गए इंद्र हु ठकुराई देवतान की। मित्र वसंत, 33 करोड़ देवतान की जो राजा इंद्र हैं, वह अपनी ठकुराई को भूल गए। भूल गए इंद्र हु ठकुराई देवतान की, परी जार अहिल्या संग मार ऐसी पाई है। भूल गए ज्ञानी ध्यानी नारी पार्वती समान, धाये दिगंबर भेष मोहनी बनाई है। भूल गए ब्रह्मा पर बाबा पड़े, सरस्वती पुत्री पे मति बौराई है, चंदा मुख कारो कर गुरु पत्नी संग हो झंडा फहरायो, प्रेम जग में दुहाई है। हमने सब पे विजय प्राप्त करी, देवतान को नहीं छोड़ो, पिता में ब्रह्मा को नहीं छोड़ो, भूत भावन भगवान शिव को नहीं छोड़ो, और तो और देवऋषि नारद को नहीं छोड़ो, जो बहुत बड़े योगी है उनको हमने काम के रूप में उनको बंदर बनाए दियो हो। हमने अपनी ध्वजा तीनों लोकन में फहराई है, चले आज बिहार करके आओ। विश्व विजयी मंगल ध्वज कामदेव की जय हो, जय हो। आपकी हमारे से नारायण शिव नारायण ये कहा नारायण।
बसंत। आज हमारे हाथन में बहुत जोर से खुजार चल रही है, बहुत जोर से खुजार मार रही है, और ये खुजार हाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे। सौ काम छोड़ करके भोजन अवश्य कर लेना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे सहस्त्र काम छोड़ के स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम और लाखों काम छोड़ के दान अवश्य करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे करोड़ों काम छोड़ के भगवान श्री हरि का भजन अवश्य करना चाहिए। भूला क्यों दीवाने माया मद में मदांत मोड़ दिवस बिठावे बैठ नीच संगता में तू सुता सुत दारा यो मेरी मेरी कहत डोले लावे क्यों ना ध्यान तेरे जगत पिता में तू मुरली कहत हाय हीरा सो जन्म जात मान ले एती बात अपने हिता में तू चेते तो चेत तेरे चेत में की यही बेर फेर कहा अचित चित्त चेत गो चिता में तू। अरे नारद यह कहा देख रहे हो ये तो कामदेव जगत विजयी अपने सखा बसंत के संग में और पत्नी रति को लेके इठला तो पल खा तो मद भरो ये मेरी ही ओर चलो आ रहे हो है ऐसो अपमान है मानो तो या विश्व को जीत के अपने नाम को झंडा फहरा तो भयो मेरी ओर आ रहे हो है। परंतु नारद या के सामी जानो उचित नहीं है क्यों खला नाम कंट का नाम ये खल और कांटे सो तो बच के निकस जानो ही उचित है तो चलो या के रास्ता को छोड़ दो अपने रास्ता को पकड़ लो चलो नारद। बाकी भ्रुकुटी को तार के चारों ओर को दृष्टि डाल तो भयो मेरी ओर बड़ो मदमस्त है कि आ रहे हो कैसो बल खा रहे हो इठला रहे हो। परंतु नारद चलो हमें खा पड़ी हम तो प्रभु को गुणगान करते भाई चले नार स्वाभाविक है अभिमान होनो तो क्योंकि यानी देवता ऋषि मुनि महात्मा कोई नहीं छोड़ो चाकू की यानी अपने बस में ना करो हो सब पे या काम ने अपनी पीछे पाई है। अरे यानी तो मोहू को तो हरा दियो हो त्रेता युग में याने ही तुम को बंदर बनायो हो जो बंदर बनाए दियो अब कहू आमनो सामनो है जाएगो तो न जाने प्रभु श्री राम की ही कृपा सो तो वह समय मेरे विचारन की रक्षा वही ही। परंतु नारद चलो या की दृष्टि सुपच जाओ
दर्शन, बड़े आश्चर्य देख रहे हैं आज हम। देव ऋषि नारद आज मार्ग को छोड़ के और हमसो दूर है कि जा रहे हैं, कारण समझ में नहीं आ रहे हैं। देव ऋषि सोच रहे होंगे मैं मार्ग से निकलूंगा तो हमारी दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी, परंतु इनको यह ज्ञात नहीं काम की दृष्टि सर्वत्र है, ये जहां है कि निकलेंगे वहां हमारी दृष्टि अवश्य पड़ेगी। यह भूल रहे हैं कि हम इनको देख रहे हैं, हमसे बच के जा रहे हैं, कहां तक बचेंगे, चले इनके पास। देव ऋषि नारद जी नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और सुनाओ ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक हैं, कुशल हैं, स्वास्थ्य ठीक है, आप ठीक हो? हाँ कृपा है प्रभु की। मगर आज हम बड़ो ही आश्चर्य देख रहे हैं। आश्चर्य? हाँ कैसे आश्चर्य? यह देख रहे कि आप अपने मार्ग को छोड़ के जा रहे हो, जहाँ मार्ग नहीं है वहाँ वो मार्ग आपने पकड़ रखे हुए, कारण समझ नहीं आया। कारण जहाँ मार्ग पे आप चले आ रहे हैं ना, तो मुकु डर लगे सामयी सु जगत विजयी मकर ध्वज महाराज कामदेव पधार रहे हैं, बड़े इठलाते बल खाते मध में मदांत है के सखा बसंत को लेके अपनी पति रति के संग में, तो मुकु भय लगे आयो। मैंने सोचो क्यों ना इनके मार्ग से हट जाओ, जब ये निकस जाएंगे तो मैं पीछे पीछे फिर अपने गंतव्य पे पहुंच जाऊंगा। व्यर्थ नहीं आप भय कर रहे हो, संकोच कर रहे हो, काय बात को भय है? आपसे तो डर लगे हैं। डरवे की कोई बात ही नहीं है, आप बचू ऐसे ही जा रहे हैं बच के, के मुकु कोई देख नहीं रहे, पर हमारी दृष्टि आप ऊपर पड़ ही गई। क्यों नहीं पड़ जाएगी? आपकी दृष्टि ते तो या विधाता की सृष्टि में कोई अछूत ही ना रहे है। नमो नारायण। आपकी तो दृष्टि पृथ्वी में ऊपर रह जाए है। नमो नारायण। अच्छा चलो आप मिल ही गए हैं, तो हमारे हृदय में एक जिज्ञासा, जिज्ञासा है हाँ, प्रकट करो, प्रकट करें। हमारे हाथन में कुछ खुजार मच रही है, बहुत जोर से खुजार मच रही है, बहुत जोर से खुजार चल रही है, ये जिज्ञासा। अवश्य वायु को विकार जोड़ दे रहे हो? वायु को विकार? हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं 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 देव ऋषि, वायु को विकार बढ़ रहे हो, उपाय मैं बताऊं? अच्छा बताओ। कब सुंदर से सरोवर के समीप में चले जाओ, और वहाँ पानी जहाँ हो वहाँ में कऊ पत्थर सो अपने इन हाथन को जोर सो रगड़ियो, खूब जोर सो रगड़ियो, खुजली को नाम ही ना रहेगा, सब मिट जाएगी। या फिर कोई काटेदार कटीलो कोई वृक्ष हो, वह वृक्ष को जाके अपने दोनों इन हाथन को जोर सो संघर्षण करियो, अपने आप खुजार दूर ठाड़ी है जाएगी, समीप में आवेगी। हूँ ना? नहीं नहीं नारद जी, तो ये वायु कोई विकार की खुजार नहीं है, तो फिर ये जो खुजार हमारे हाथन में मच रही है ना, ये खुजार युद्ध की है। नारायण युद्ध की खुजार मच रही है। नारायण हम युद्ध करना चाहे हैं, आप युद्ध कर ले? अरे नारायण नारायण मोसो युद्ध, आप ऐसे कहते भाई अच्छे ना लगो। क्यों? मैं तो महात्मा हूँ, बाबा जी हूँ, आपसे कहा और कैसे युद्ध कर सकूं? आप तो बहुत बड़े योद्धा हो, वीर हो, तो फिर चले जाओ, सृष्टि में कोई ना कोई तो तुम्हारे जोड़ को योद्धा तुमको मिल ही जाएगा। नहीं नहीं सृष्टि में मिल जाएगा, पर मुकु तो सृष्टि में दिखे नहीं है जो कि मेरे जोड़ को कोई योद्धा हो, मुझसे कोई दो दो हाथ कर सके, मुकु तो दिख नहीं रहे हो, आप दिख रहे, आप सो ही युद्ध करने की इच्छा प्रकट है गई, आप कर ले हो ना युद्ध? नहीं कोई हानि नहीं हो? बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि है। हाँ देखो मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा आपसो, परंतु एक उपाय मैं आपको अवश्य बताऊं। उपाय मत बताओ, मुकु योद्धा बता। हाँ वही योद्धा उपाय के द्वारा योद्धा हूँ बताया जाए वो। सुनो योद्धा बताओ। नंद गोप गृह बालक जको नाम है कृष्ण का नाम, तुम्हारी जोड़ी ताही सो तुम जाओ वृंदावन धाम,
वृंदावन में एक नंद के छोरा है जिनको नाम कृष्ण है और उनसे कन्हैया कन्हैया कहो करे हैं। वह वन में कहू चरा में वो तुम्हारे ही समान जोता है। अब बस तुम्हारी युद्ध अभिलाषा को पूर्ण करेंगे ये मेरे हृदय में विश्वास है। आप जाओ, आप तो मदन हो परंतु वो मदन मोहन है। देव ऋषि नारद जी, हाँ कामदेव जी, मैंने आपसे योद्धा की बात करी है। अच्छा। मैंने योद्धा पूछो है कि मोकू कोई ऐसो योद्धा बताओ जा योद्धा सो मैं युद्ध करूं अपने हाथन की खुजार को मिटाए सकूं। मैंने कोई ग्वारिया नहीं पूछो, मोकू कोई गैया नहीं चरवानी। ग्वारिया की मोकू आवश्यकता नहीं है, मोकू तो योद्धा की आवश्यकता है। योद्धा बताओ ग्वारिया को नाम क्यों ले रहे हो आप? देखो सुनो, काम वह गाय चराने को करे या तो आप उनको ग्वारिया कह रहे हो। मैं मदन हूँ। तुम मदन हो तो वो मदन मोहन है। मैं मकर ध्वज हूँ। अरे हाँ, बालक है पर बालक नहीं है, वह किशोर अवस्था के है चुके हैं। और देखो तुमने नाम बतायो अपनो मतन, वो एक नाम उनको मतन मोहन हो है। वो रसराज है, रसिक शेखर है वह, या रस रंग को भली भांत जाने है। आप जाओ और उनके सामने युद्ध अभिलाषा प्रकट करोगे तो तुम्हारी या युद्ध इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। और जो तुम्हारे हाथन की खुजली है ना, या हाथन की खुजली को छोड़ो, तुम्हारे समस्त बदन की खुजली को दूर कर देंगे, फिर कभी भविष्य में खुजली आ चलेगी ना। अच्छा, हाँ वो मुझसे युद्ध करेंगे? अरे प्रसन्नता पूर्वक करेंगे युद्ध। अच्छा, मैं आपके कहवे सो ब्रज में जाओ, मदन मोहन से युद्ध करवे जाओ। जाओ और वो मनाऊ करे तो हमारो नाम ले दीजियो कि मोको नारद जी ने भेजियो है। ठीक है, जब वो मना करेंगे तो हम आपको नाम ले देंगे कि हमको आपके समीप में देव ऋषि ने भेजो है जी। ठीक है, तो हम उनके पास जा रहे हैं। पर याद रखो जी, उनने यदि युद्ध के लिए मना कर दी ना तो फिर मैं आपसे ही आए के युद्ध करूंगा। और ध्यान रखियो आप जी, पहले तो मैंने आपको बंदर बनाया हो, अब के मैं आपको भालू बना दूंगा। भालू? पर ये स्थिति आवेगी ही नहीं, आप जाओ तो सही एक बार। अच्छा, हाँ जा रहे हैं हम। हाँ जाओ। अच्छा, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्र बसंत, देव ऋषि ने हमको ब्रज में योद्धा बताया हो मदन मोहन, हम ब्रज में जा रहे हैं मदन मोहन से युद्ध करने के लिए। आप यहाँ विराजे, महारानी रति आप भी महलन में जाए के विश्राम करें, हम थोड़ी देर में आमे ही लौट पधारे। दर्शन
पुष्प धनुर्धर वीर आप कौन हो? गोपाल मेरा नाम विश्व विजयी मकरध्वज कामदेव है। अरे 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 मदन राज मेरे अहो धन्य भाग जो कि स्वयं आप कष्ट करके मेरे समीप में पधारे, आपने आए के मुँह को दर्शन दिए, तो कहो मदन राज मैं आपको कहाँ प्रिय कार्य करूँ? हे गोपाल मैं आपके समीप एक इच्छा लेके आया हूँ, आप मेरी इच्छा को पूरी करो। अरे आप पधारे हो तो अवश्य मैं आपकी इच्छा पूरी करने की चेष्टा करूँगा, आप आज्ञा करो। मैं आपसे आज्ञा क्या कहा कर सकूं हूँ, निवेदन इतना करूं हूँ कि आपसे मैं युद्ध करना चाहूँ। युद्ध? हाँ मोसो। हाँ आपसे मैं वो भी आप करने के लिए आया हूँ। अरे 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 आपसे थोड़ी भूल है गई मदन राज, युद्ध तो योद्धा करे हैं, आप बार बार मेरा नाम संबोधन कर रहे हो तो कहा वाको अर्थ नहीं जानो हो। गवा नाम पालयती ती गोपाल, मैं तो गैयान को चरायो करूं, वन वन में गायन को चरायो करूं, ये युद्धों पे कहां आवे? गोपाल आप सत्य कह रहे हो कि आप वन वन में गैया चरायो करो? अरे ग्वारिया हूँ मैं। हाँ हाँ ग्वारिया है, यह बात मैंने कही उनसो कि वह या युद्ध के रंग को कहा जाने हैं। अरे आप सो अवश्य भूल है गई, युद्ध की बात छोड़ो, नामे पढ़ो लिखो ना अच्छी समाज में बैठवे वारो, ये युद्ध वुद्ध कहाँ सो आप भूल करके यहाँ आए गए? यही मैं सोच रहा हूँ भाई समय। हाँ परंतु वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप ब्रज में चले जाओ, गोपाल के समीप चले जाओ, वह आपसे युद्ध करेंगे। मैंने कही उनसो कि वह ग्वारिया है, वन वन में गैया चरा में है, कंबल की खोली ओढ़े है, टेटी बेर खामे है, बनवाला धारण करे है, फिर वह मोसो युद्ध कहा करेंगे? युद्ध की बात छोड़ो मदन राज, मैं तो आपसे बात करने की योग्य नहीं हूँ। बात नहीं है परंतु नारद जी ने मेरी बात नहीं मानी और बार बार हट करते रहे कि आप ब्रज में जाओ। नारद जी के कहने सुनो 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 कौन ने यहाँ भेजे हो? वो कोई आपके समीप देव ऋषि नारद जी ने भेजो है। आपको नारद जी ने भेजो है? हाँ गोपाल आपने इतनी देर से क्यों ना कही, आप पहले ही बता देते अब तक तो युद्ध है ही जाता। युद्ध है? हाँ अब मैंने उनको नाम बता दियो है, अब कर ले युद्ध अवश्य अवश्य। तो कहो आप कौन सा युद्ध करना चाहो, किले को अथवा मैदान को? किले को अथवा मैदान को? हाँ गोपाल मैं समझो नहीं, किले को अथवा मैदान को, इन दोनों को स्वरूप कहा है, इन दोनों को भेद कहा है, आप प्रकट करके मुकू बताओगे? आप नहीं समझे तो मैं समझाऊं। हाँ देखो जा समय में ध्यान अवस्थित है, मन चित बुद्धि अहंकार को लेकर के समाधिस्थ हूँ, वास में तुम ही और अपनी पंच शरण को मुंह पे छोड़ियो, तुम्हारे वाणी सो मेरी वृत्ति आत्मा कार सो यदि कामाकार हैगी तब तो आपकी विजय, नहीं तो मेरी। ये है किले के युद्ध को स्वरूप और मैदान के युद्ध को कहा स्वरूप है? साधारण सी बात है, जा समय में अनंत कोट ब्रजगोपिन के संग महाराज लीला करूं, वास में तुम वहाँ आए के अपनो कला कौशल प्रकट करियो, तुम्हारे वाणी सो मेरा मन चलाए मान तो आपकी विजय, और यदि मैंने अपनी रूप माधुरी सो तुमको मोहित कर देना तो मेरी विजय। कहो आप कौन सिद्ध करना चाहो, किले को अथवा मैदान को? गोपाल किले के युद्ध मैंने बहुत किए, अच्छा। बड़े बड़े योगिन को ध्यान भंग कियो, उन पे मैंने विजय प्राप्त करी, परंतु मैदान के युद्ध को जो स्वरूप आपने बतायो है यह मुझको बहुत ही अच्छो लगयो, सुंदर लगयो, मेरे मन को भायो है, मैं आपसो मैदान को युद्ध को दान चाहूँ हूँ, मैदान में ही आपसो में दो दो हाथ करना चाहूँ हूँ, आप मुझको मैदान के युद्ध को दान दो। दो दो नहीं चार चार हाथ होंगे, आप चिंता मत करो, और ये युद्ध ऐसे होएगा जितने पिछले युद्ध है ना उन सब को भूल जाओगे। अच्छा अगली शरद पूर्णिमा के दिन या स्थल पे बधा रही हूँ, मैं आपकी युद्ध अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। अवश्य गोपाल मैं शरद पूर्णमासी की रात्रि को आपके समीप आऊंगा और आपसे मैं युद्ध करूंगा। ठीक प्रणाम गोपाल। जी
कर कमल योग माया हमारे समीप सरोवर विमल नीर अरविंद हे ब्रज रूपी आनंद रस सरोवर के उज्जवल नील कमल गोविंद आपको मेरा नमस्कार है। यशमत ने नीर नित पोषित तव नव लाड लड़त सुकंद ब्रजपति तरण ताप प्रफुल्लित प्रसुषित सुयस बास मंद हे यशोदा माता के स्नेह नीर सो नवाए वे सुख नील कमल गोविंद आपको मेरा नमस्कार है। हे नंदराय रूपी सूर के प्रताप सो बढ़ाए वे खिलाए वे महकाए वे गोविंद आपको मेरा नमस्कार है। सेचरी जाल मराल संग्रंग रसवर नित खेलत सानंद अल गोपी जन नैन गदादर सादर पीवत रूप मकरंद हे ब्रज गोपीन के नेत्र रूपी भाम रिनकू रसपान कराए देवे वारे गोविंद आपको मेरा नमस्कार है। हे ब्रज के बाल सखान के स्नेह रूपी हंसन के संखेल विवारे गोविंद आपको मेरा नमस्कार है। भगवान आपकी दासी योग माया सेवा में उपस्थित है। दासी को काये को याद करो। हाँ योग माया शरद पूर्णिमा के दिन अनंत कोट ब्रज गोपीन के संग में महाराज लीला करनो चाहूं तो वामे मैं चाह रही हूँ कि आप आय के सेवा करो तो हमें आप आय के कितनी और कौन कौन सी सेवा करोगी सब विस्तार रूप से वर्णन करके मुझे आप सुनाएगी की कृपा करो। हे भगवान हाँ मैं आपके मनोभावन को भले प्रकार से समझ गई हूँ सब समुचित समाधान करूंगी आप निश्चिंत रहे। ये सरस वाणो तस्करों जय 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 अखिलेश रूप रस एक ठोर कर दे हूँ अखिलेश कर दे हूँ अखिलेश लेस न कोई जान है कहा जो सुरेश महेश अगम कहा जो बखान है करे जो अचरज महान कब कुल कोविद भरम है उमा श्री भगवान बाड़े आनंद प्रेम गन। ये सर्वप्रथम आप सेवा पहले तो ये बताओ कितनी करोगी। भगवान मैं आपके महाराज में 10 प्रकार की सेवा करूंगी। अच्छा तो प्रथम सेवा आप कौन सी करोगी। धन्य है भगवान धन्य है आप अपने मुख की बात को या दासी के मुख से सुनना चाह रहे हो तो जैसी आपकी इच्छा भगवान मैं सर्वप्रथम असंभव कार्य आपको ये संभव करके दिखाऊंगी। जब आप अपनी या आकर्षण नामक बंसी को बजाओगे तो आपकी ये बंसी धुनी सर्वभूत मनोहारी नायक मात्र बाम दशा मनोहारी ही होगी। या बंसी धुनी को वही वही ब्रज गोपी सुन पाएंगे जिनके हृदय में कांता भाव होगा उनको छोड़ के न तो अन्य ब्रज गोपी सुन पाएंगे और न उनके माता पिता भाई बंधु समस्त परिवारी जनी सुन पाएंगे। सुने ना बाहर के नाग नद्र सिद्ध सुर सुने ना ब्रह्म रुद्र इंद्र देव खास है सुने ना ब्रजवासी गोपी गोप आदि जन मात पिता भाई बंधु गुरु सखा दास है सुने नहीं तो ना आए ढिंग दौर रहे प्रेम घर घर वो करे घर वास है सुने और वो आए दौड़ गे छोड़ ने तोड़ वही वही गोपी जन पामे वर रास है। ये प्रथम सेवा ये मेरी प्रथम सेवा होगी। धन्य द्वितीय सेवा आप कौन सी करोगी। हे भगवान दूसरी सेवा मैं आपकी यह करूंगी आपके महाराज विलास के निमित्त एक अप्राकृत ब्रह्म रात्रि को निर्माण करूंगी। किंतु ये सेवा तो मैं रात्रि को सौंप चुका हूँ आप यह मैं कहा करोगी। हे भगवान वह अपनी सेवा करेंगी और मैं हूँ अपनी सेवा करूंगी कारण की मनुष्य के छह महीनान की एक रात्रि देवतान की होए परंतु आप तो देवतान के देव ईश्वर के ईश्वर
सर्वेश्वर परमेश्वर हो। यह सुन आपकी रात्रि आपके जैसी अनुपम होनी चाहिए। जैसे आप अपराकृत हैं वैसे गोपी अपराकृत हैं। परस्पर में जो प्रेम है वह सब अप्राकृति है। अतएव अनंत अपार महासागर है। फिर वालो या मैं 6 महीनान की प्राकृतिक रात्रि कैसे पूर्ति कर सके। अब प्राकृत प्रेम के विलसन में तो भगवान वे रात्रि अप्राकृति होनी चाहिए। या प्रकार या सुम में वह 6 महीनान वाली रात्रि को वह अनंत कोट रात्रि में समावेश कर दूंगी। अब वो रात्रि देवी तो ये समझेंगी कि ये हमारी बनाई हुई 180 रात्रि की शरद पूर्णमासी की एक रात्रि है। परंतु यथार्थ में सर्वेश वे रात्रि 4,32,00,00,000 रात्रि की ब्रह्म रात्रि होगी। या प्रकार गागर में सागर अणु में महान भरदेवे की शक्ति आप इन्हें तो अपनी दासी या योग माया को दे रखी है। तभी तो मैंने आपको स्मरण करे हो। अति सुंदर अति उत्तम ये आप द्वितीय सेवा करोगी। तृतीय सेवा आप कौन सी करोगी? हे भगवान तीसरी सेवा मैं आपकी यह करूंगी। जब आप अपनी आकर्षण नामक बंसी को बजाओगे तो आपकी यह बंसी ध्वनि को सुन के ब्रज गोपी अपने अपने घर को छोड़ के वन के लिए दौड़वे लगेंगे। तो उनके माता पिता भाई बंधु समस्त परिवारी जन सोचवे लगेंगे कि ये ब्रजगोपी अर्ध रात्रि के समय पे बाबरी घावरी सी बनी हुई कहाँ के लिए जा रही है। तो उनको रोकवे को प्रयास करेंगे और रोकेंगे। तो मैं वास में उन ब्रज गोपिन को छुपाए के उनकी छाया मूर्ति प्रकट कर दूंगी। अब उनको रोकवे बारे तो ये समझेंगे कि ये ब्रज गोपी हमारे रोकवे से रुक गई है, हमारी मान गई है। न जाने ये वन में कहाँ भटकती फिरती हुई डोलती। यह बात को लेके न तो आपके ऊपर ही कोई शंका करेगो और न ब्रज गोपिन के ऊपर ही कोई दोष धरेगो अथवा कोई शंका करेगो ही क्यों और कोई दोष धरेगो ही क्यों। क्योंकि वो तो अपनी ब्रज गोपिन को अपने समीप में देखेंगे। परंतु भगवान मैं उन ब्रज गोपिन को कांटे कंकर करील झाउन सो बचाए आपके पास तक पहुंचा देवे को कार आपकी दासी ये योग माया करेगी। भगवान छोड़ छोड़ कामकाज उठ दौड़े गोपी जब रोके जो पिता पति भाई उनके पास है। छाया काया गोपिन की मैं प्रकट करूं ताई समय मान लौट जाए वो करे घरवास है। पर गोपी जो त्यारी प्यारे आए मिले तुमसो प्यारे जाने घरवारे गोपी हमरे ही पास है। सुनी ना निहारी करें अचरज माया भारी कहे देव पुकारी जय जय महाराज है। ये मेरी सुंदर सेवा हो अति उत्तम। ये तृतीय सेवा। हाँ चतुर्थ सेवा आप कौन सी करोगी? हे भगवान चतुर्थ सेवा मैं आपकी यह करूंगी। जब आप महाराज करोगे तो आपके अनंत कोट ज्योति स्वरूप प्रकट करूंगी। ये कैसे संभव है सके? हे भगवान जैसे एक दीपक में सो अनंत दीपक प्रज्वलित है जाए वही प्रकार कारण की आप तो नित्य श्री राजेश्वरी जी के मध्य भाग में विराजे रहोगे और आपकी अनंत प्रकाशित मूर्ति ब्रज गोपिन के संग में महाराज करेंगे। रास मंडल मध्य आप नृत्य करें राधा संग गोपी सब जाने गोविंद निज पास है। एक ज्योति सामल सो अनंत दीप दीप है गोपी प्रति प्रति करें माधव प्रकाश है। गोपी करोड़ जेते करोड़ कृष्ण करोड़ देते वृंदावन छोर मां नाचे सब कास है। सुनी ना निहारी करें अचरज माया भारी कहे देव पुकारी जय जय महाराज है। ये मेरी चतुर्थ सेवा। पंचम सेवा आप कौन सी करोगी? हे भगवान पंचम सेवा मैं आपकी यह करूंगी कि मैं आपकी जब अनंत ज्योति स्वरूप प्रकट कर दूंगी ना तो वहां में वो समाएंगे कैसे आपको छोटा सा राजमंडल है। हाँ हाँ हाँ। तो भगवान मैं आपको पंचम सेवा में यही करके दिखाऊंगी। देखो मैं आपके राजमंडल को बिना बढ़ाए इतना बढ़ा दूंगी जामे आप निश्चिंतता से राज विहार कर सकोगे। भगवान आप वह बात क्यों भूल रहे हो आपके एक बुलंद के कटी भाग में मैया यशोदा के हजारन हाथ की रस्सी छोटी पड़ गई। आपके छोटे से मुखारविंद में मैया यशोदा ने समस्त विश्व ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। वही प्रकार ये धाम हो तो आपको ही स्वरूप है। जैसे सब विरुद्ध धर्म आप में रहे वही प्रकार आपके
आपके धाम में हूँ। ये तो आपके नाम रूप धाम की ईश्वरता ही है भगवान, या में मेरी कोई बड़ाई नहीं है। वृंदावन पांच कोस तामे यमुना पुलिन तापे मंडल रास बनो छोटो सो बास है। तीन सतकोट गोपी तीन सतकोट कृष्ण मिल 600 कोट ता नाचे सुकरास है। जेती नहीं आमे सात दीप नव खंड माए तेते समा में बीच रास मंडल खास है। सुनीना निहारी करें अचरज माया भारी कहे देव पुकारी जय जय महाराज है। ये मेरी पंचम सेवा। तो एक अप्राकृत रास मंडल को निर्माण होगा। हाँ भगवान। अति सुंदरी पांचवी सेवा छठवी सेवा कौन सी करोगे? छठवी सेवा मैं आपकी यह करूंगी भगवान। हाँ हाँ। जब आप ब्रज गोपिन के संग में महाराज करोगे तो उन ब्रज गोपिन को अपने सौभाग्य को एक गर्व है जाएगा। तो मैं वास्तव में उन ब्रज गोपिन के मध्य सो आपको अंतर ध्यान कर दूं। सुनो सुनो सुनो, ये सेवा करोगी अपराध करोगी, अरे मेरे बिना तो उनके प्राण ही निकल जाएंगे। नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं है सके। आपके प्रणंतों प्यारी गोपी कहूँ कष्ट पा सके। नहीं नहीं भगवान, मैं अपने प्राणंतों अधिक देखभाल रक्षा समार करूंगी, आप निश्चिंत रहे। छठवी सेवा होगी। सप्तम सेवा? सप्तम सेवा मैं आपकी यह करूंगी भगवान। जब वे ब्रजगोपी आपके प्रेम में तन्मय तदाकार है के लीलान को अनुकरण करवे लगेंगे तो मैं उनके मधुर प्रिय भाव सो विरुद्ध और बात्सल्य भाव वाली मैया जसोदा पैर भाव वाली वे पूतना शक्तासुर काली नाग आद आद कण के भाव स्वयं में ही दर्शा दूंगी भगवान। ये सातवी सेवा। हाँ अति सुंदर। अष्टम सेवा आप कौन सी करोगी? आठवीं सेवा? हे भगवान, अष्टम सेवा मैं आपकी यह करूंगी। जब आप क्षण काल के ताई राजेश्वरी सर्वेश्वरी श्री राधा जी सो अंतर ध्यान है जाओगे तो वास्तव में आपके प्रेम की विजय दुंदुमी या त्रिलोकी में बज उठेगी। कारण कि भगवान गोपन को प्रेम आप में अनुराग दशा पर्यंत है और ब्रज गोपिन को प्रेम आप में महाभाव दशा पर्यंत। परंतु भगवान श्री राधा जी को प्रेम तो आप में मादनाक्ष मा भाव है, या ते परे और कोई भाव नहीं है। तो मैं वास्तव में उन राशेश्वरी जी के एक एक श्वास की रक्षा कर मैं कृतार्थ होऊंगी। साधु साधु। अष्टम सेवा। ये अष्टम सेवा। नवम नौवीं सेवा आपकी कौन सी रहेगी? हे भगवान, नौवीं सेवा मैं आपकी यह करूंगी। महाराज जब आपको महाराज होगो तो राज मंडल के ऊपर नीचे तथा अंतर रक्ष में एक ऐसा आवरण डालूंगी जो वास्तव में नृत्यवाद गीत की घनघोर ध्वनि बज उठेगी। तो वाकू ना तो ब्रज में रहवे वारे ब्रजवासी समझ पाएंगे, ना आकाश विमानन में बैठवे वारे देवी देवताई देख पाएंगे। वो तो मात्र नृत्यवाद गीत की ध्वनि श्रवण कर सकेंगे। अति सुंदर। ये नौवीं सेवा। दशम सेवा आपकी कौन सी रहेगी? हे भगवान, दसवीं सेवा मैं आपकी यह करूंगी। हाँ। जब आप महाराज के पश्चात में विश्राम करोगे तो अनंत कोट कुंजन को निर्माण करूंगी ताकि आप निश्चिंतता से विश्राम कर सकोगे। ये मेरी दसवीं सेवा होगी। ठीक है, अति सुंदर। ये दसवीं सेवा। हाँ, विश्राम को स्थल और सबको खीर के प्रसाद की व्यवस्था। जो आ गया भगवान। कवलिनी कर कवल योग माया की अघरी घटना पटल बहुरी अधराम नित्य जुड़नी। तू मेरी तीसरी योग माया है। तू जाजा गोपी को नाम अपने मुख से चारण करेगी वो ही यह महाराज में प्रवेश पा सके, अन्यथा और काहू की सामर्थ नहीं। तो यासो हे वंशी मम हित करण बंधु तो ये सिर नाय आज ये अभिलाष ये लावो सवन बुलाए।